वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों मैं सभी व्यूअर्स जो सभी मेरे जो यूट्यूब चैनल जो मेरा वीडियो देखते हैं उनसे सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं और सभी को एक बार में दीपावली का सभी को राम राम दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ साथ मैं आज एक लेटेस्ट वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। उस वीडियो को जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों आज बात करते हैं कि पुलिस किसी केस की प्रॉपर तरीके से सही जांच ना करे, निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, तो आप उससे किस प्रकार से निष्पक्ष जांच करा सकते हो, किस प्रकार आप निष्पक्ष जांच कराने के प्रति आप किसको शिकायत कर सकते हो और किस हिसाब से आप कर सकते हो। दोस्तों मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति है, दोनों के आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या मारपीट हो जाती है। ए ने बी के खिलाफ कंप्लेन कर दी या रिपोर्ट दर्ज करा दी। ए ने बी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अगर बी के खिलाफ पुलिस अधिकारी या थाना अधिकारी सही जांच नहीं करते हैं या उससे मिली भगत करके या पैसे ले लुवा के उस जांच को दबा देते हैं या जो केस या जो धारा लगनी चाहिए वो नहीं लग पाती। अगर आपको ये पता लग जाता है कि बी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले, तो आप उसकी निष्पक्ष जांच किस प्रकार से करा सकते हो। मान लो दोस्तों एक बार आप जिस व्यक्ति के पास तफ्तीश है, जो थाना अधिकारी के पास तफ्तीश है, उससे एक बार आप प्रॉपर तरीके से मिल लीजिए। अगर कहने के बावजूद भी वो सही तरीके से निष्पक्ष जांच नहीं करते हैं तो आप उनके खिलाफ एसपी के पास उपस्थित हो सकते हो उस प्रार्थना पत्र को लेके, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस अधिकारी ने बी जो मुलजिम है उससे मिल मिला के सांठ गांठ करके पैसे ले लुवा के कोई प्रकार की उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, नहीं उसे गिरफ्तार कर रहा है। इस चीज को लेके आप एप्लीकेशन पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम प्लस जो आपने थाना पे दी है उस प्रति उसके पीछे लगा के आप एसपी के समक्ष पेश हो सकते हो। मान लीजिए आप एसपी के समक्ष पेश होने के बाद एसपी आपको कार्रवाई करने के लिए कहता है कि हम इस पे बहुत जल्दी रिएक्शन लेंगे, निष्पक्ष जांच कराएंगे। अगर मान लो उसके बाद भी एसपी को देने के बाद भी अगर आप उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, मान लो पुलिस थाना अधिकारी के हिसाब से एसपी भी उस आप मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते या मिलीभगत करके कुछ नहीं कर पाता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है, आप क्या कर सकते हो फिर? अगर पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद भी आपके कार्रवाई नहीं होती उस व्यक्ति के खिलाफ, तो आप स्वतंत्र हो, आप डीआईजी डीजी से भी मिल सकते हो, क्योंकि आपको चाहिए निष्पक्ष जांच। अगर आप इस हिसाब से निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है तो आप डीजी से डीआईजी जो भी है उनसे, पुलिस जो अधिकारी है उससे आप मिल सकते हो, क्योंकि मान लो एसपी और पुलिस जो थाना अधिकारी वो मिलीभगत कर गया पैसे कुछ सांठ गांठ करके उस मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे या कुछ मुकदमे को दबाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट डीजी से मिल सकते हो। डीजी से मिलने के लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा, डीजी को यह कहना, जो पुलिस महानिदेशक जो प्रार्थना पत्र आपने थानाधिकारी को दिए, जो प्रार्थना पत्र आपने पुलिस एसपी को दिए, वो दोनों की प्रति ले जाके आप डीजी से कंप्लेन कर सकते हो दोनों के खिलाफ कि हमें उम्मीद नहीं है इन दोनों व्यक्तियों से, एसपी और पुलिस थानाधिकारी, हमें दोनों से उम्मीद नहीं है कि ये हमारे जो मुकदमा है वो ओरिजिनलिटी सही है, हमारे साथ मारपीट की है बी ने, उसके बावजूद भी इन्होंने पैसे या मिलीभगत करके उस जांच को प्रभावित कर रहे हैं, जांच प्रॉपर तरीके से सही नहीं कर रहे। आपको ये लगता है तो डीजी से आप ये भी कर सकते हो कि आप किसी भी उच्च लेवल का जो अधिकारी है आईजी लेवल का उससे जांच कराइए। अगर डीजी उस चीज को हाँ कर लेता है और लिख देता है कि हम इस मुकदमे को डीजी या आईजी लेवल के अधिकारी से तफ्तीश कराना चाहते हैं, अगर आपको लगे जैसे दो चार दिन निकलने के बाद या दो पांच दस दिन निकलने के बाद आप अगर संतुष्ट हो जाते हो कि आईजी लेवल के डीजी से फाइल को ट्रांसफर, डीजी अपने पास फाइल को मंगवा लेता है और अपने जो भी आईजी लेवल का या दूसरा स्टेट या दूसरे जिले का जो अधिकारी है उसको सौंप देता है, क्योंकि
तफ्तीश प्रॉपर पे वही जगह से बात तफ्तीश करेगा वो अधिकारी, डीजी या आईजी लेवल का कोई भी अधिकारी, उससे आप कराना चाहते हो। अगर आपको लगे 10-5 दिन निकलने के बाद अगर वो भी चीज सही नहीं हो रही है, उनके खिलाफ भी वो अधिकारी भी सही तरीके से प्रॉपर जांच नहीं करता है, तो आपके पास अब क्या उपाय रहेगा, आप क्या कर सकते हो अंत में? क्योंकि व्यक्ति थाना अधिकारी पुलिस अधीक्षक डीजी के पास जाने के बाद भी न्याय की उम्मीद नहीं है, उसे उसके केस में अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, जांच नहीं हो रही, तो आप क्या कर सकते हो? क्योंकि ए और बी की लड़ाई थी, बी पावरफुल है, वो सभी को आप मैनेज करके वो अपने को बचाने के लिए सारी चीजें कर रहा है। अगर आपको ये लगे ये सारी चीजें प्रभावित हो रही है, जांच सही नहीं हो रही, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों? दोस्तों अगर सारी चीजें होने के बावजूद भी 2-5-10 दिन निकलने के बाद भी आप एक बार फिर डीजीसी मिलिए कि श्रीमान जो प्रार्थना पत्र जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसके खिलाफ कोई भी प्रगति रिपोर्ट नहीं है, कोई भी सही तरीके से जांच नहीं हो रही, अगर आप संतुष्ट नहीं होते हो तो आप फिर क्या कर सकते हो? दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, भविष्य में काम आने वाली चीजें कभी आपके पड़ोसियों के साथ हो सकती है, कभी आपके साथ हो सकती है, कभी किसी के साथ हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपके पास क्या उपाय दोस्तों आपके पास अगर ऐसा होने के बाद आप 482 CRPC के तहत हाई कोर्ट से लगा सकते हो, 482 हाई कोर्ट में लगाने के बाद आप वहां से ये ऑर्डर करवा सकते हो कि कोर्ट से कि 482 के तहत की प्रॉपर तरीके से इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, इनकी जांच नहीं हो रही, तो आप हाई कोर्ट से फाइल को तलब करके, डीजी को तलब करके, पुलिस अधिकारी या एसपी को तलब करवा के आप प्रॉपर तरीके से जांच करवाने के आदेश हाई कोर्ट से करवा सकते हो। लेकिन आप ये कार्रवाई जब भी कर सकते हो आप किसी अच्छे वकील से सलाह लेके, अच्छे वकील से जानकारी लेके आप 482 CRPC में हाई कोर्ट जा सकते हो। अगर दोस्तों 482 हाई कोर्ट में अगर हाई कोर्ट द्वारा अगर दिशा निर्देश दे दिया जाता है कि आप इसमें प्रॉपर तरीके से अच्छी सही जो लीगल है वो जांच करके हमें 1 हफ्ते या 1 महीने में रिपोर्ट करोगे, अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद कोई भी पुलिस अधिकारी हो या कोई भी एसपी हो या थाना अधिकारी हो, डीजी हो, कन्फर्म मान लो कि वह जांच लीगल तरीके से करके देगा, सही तरीके से जो सच्चाई है वो करके आपको हाई कोर्ट को अवगत कराएगा कि 1 महीने का टाइम है तो 1 महीने में अवगत कराएगा। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी के साथ, पड़ोसी अड़ोसी किसी के दोस्तों के साथ अगर ऐसा होता है दोस्तों, आप मेरे चैनल कानून की आवाज के तहत मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो और सलाह ले सकते हो कि इस प्रकार के मुकदमे में हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों के साथ ऐसी हो अगर दोस्तों ऐसा वो पुलिस अधिकारी को हाई कोर्ट की गरीब व्यक्तियों की पुलिस सुनती है ना एसपी सुनता है, कोई नहीं सुनता, चेंज या सही तरीके से करने की अगर सुनने वाला आदेश हो जाता है उसके बावजूद अगर अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो मान लो 100% उसकी जो भी जाएगी और सही तरीके से प्रॉपर तरीके से आपकी जांच भी होगी मुकदमे की। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा होता है आपके साथ निचले अधिकारी ऐसा करते हैं तो आप डायरेक्ट किसी भी वरिष्ठ वकील के साथ जाने का खतरा बातचीत करके सलाह लेकर इसलिए आप डायरेक्ट 482 CRPC के तहत हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता था कि ये सारी चीजें सही होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा उस व्यक्ति से बी से मिलकर ये कार्रवाई नहीं करना चाहती है, तो आप डायरेक्ट दोस्तों हाई कोर्ट में 482 लेके दिशा निर्देश करवा सकते हो पुलिस एसपी और जिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ, उसके बाद 100% मान लो कि सही तरीके से काम होगा, सही तरीके से जांच होगी, फिर उस जांच अधिकारी को कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता कि अपने जॉब की रिस्क ले सके। इसलिए दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें और लाइक